बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में असी पास्ट टेंस जे एक्टिव वॉइस जे जुमलन के पैसिव वॉइस जे जुमलन में तब्दील करण सिखंदासूं। इनका अग में असी जेको आए प्रेजेंट टेंस जे एक्टिव वॉइस जे जुमलन के पैसिव वॉइस जे जुमलन में तब्दील करण सिखियो आए। एक्टिव वॉइस जे जुमले के पैसिव वॉइस जे जुमले में तब्दील करण का अग में कुछ गालियो हैं जन के जेकने असी ज़हन नशीन करे वठंदासूं ता असी जेको आए एक्टिव वॉइस जे जुमलन के पैसिव वॉइस जे जुमलन के पैसिव वॉइस जे जुमलन में आसानी से जेको आए चेंज कर सकूं ता, उनके तब्दील कर सकूं ता। सब का पहरे ता असा के जेको आए एक्टिव वॉइस जे जुमले में जेको असा जो सब का पहरे ऑब्जेक्ट हुंदो आए जुमले में, एक्टिव वॉइस जे जुमले में ता उन्हीं एक्टिव वॉइस जे जुमले में जेको असा जो ऑब्जेक्ट आए असा जे पैसिव वॉइस में उनके तब्दील कंदा से असा उन्हीं ऑब्जेक्ट के जेको आए सब्जेक्ट बणंदा सो। आ उनका बाद में उन्हीं जेको आए टेन जो जेको टू बी जो वर्ब आए तो असा जेको आए वो टू बी जो वर्ब इस्तेमाल कंदा आयूं। आ उनका बाद में जेको आए असा बी जी तब्दीली आंदा आयो तो जो उन जुमले एक्टिव वॉइस जुमले में जो असो वर्ब इस्तेमाल थे तो अस जैसे उनके पैसिव वॉइस जुमले में लिखंदासूं तो अस उनके थर्ड फॉर्म में लिखंदासूं। उनका बाद में जो है थर्ड फॉर्म में लिखने का बाद में असो है प्रीपोजिशन बाय जो इजाफो कंदा आयूं। प्रीपोजिशन बाय के इजाफे करण का बाद में एक्टिव वॉइस जुमले में जो असो सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल पल हों सब्जेक्ट असि उन सब्जेक्ट के फिराए जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा आयो। अड़ी तरह से असो जो एक्टिव वॉइस जो जुमलो है वो पैसिव वॉइस के जुमले में तब्दील थी वो है। ये चंद तब्दीलियों जैसे अस इन के जहन में रखू ता तो अस एक्टिव वॉइस के जुमले के पैसिव वॉइस के जुमले में बिल्कुल जो है आसानी से तब्दील कर सकूँ ता। अचो तो असं लेक्चर की शुरुआत क्यों हाँ असा सत जुमला लिखल है उनमें ऐसों तो असो जो है पे जुमलो है आई ड्रिंक वाटर। उनका बाद बो नंबर है वी रोड लेटर्स। नंबर टो है यू ओपन विंडो। फोर्थ है ही ब्रॉट फ्रूट्स। उनका बाद में है शी कुक्ड मील। उनका बाद में है दे प्लेड गेम। आखिर में है अली सिंग सॉन्ग्स। तो हाँ असों इन जुमले में जो है एक्टिव वॉइस जुमले में असो आए हुई यू ही शी दे अली असा सब्जेक्ट है। उनका बाद में जो है ड्रिंक रोट ओपन ब्रॉट कुक्ड प्लेड सेंग जो असा वर्ब है। उनका बाद में वाटर लेटर्स विंडो फ्रूट्स मील अगेन सॉन्ग्स असूँ ये असा ऑब्जेक्ट है। मार्क में तक तो जैसे भी असो एक्टिव वॉइस के जुमले के पैसिव वॉइस के जुमले में तब्दील कंदा आयो तो असा एक्टिव वॉइस के जुमले में जो भी ऑब्जेक्ट है असा उनके जो है पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट बनाए रखा आयो। उनका बाद में ऐसा असो ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस के जुमले में असो सब्जेक्ट बनबो जैसे वो असो सिंगुलर है तो अस उनका बाद में जो टू बी जो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कहें जैसे असो प्लूरल है तो असो है उनका बाद में जो है टू बी जो प्लूरल वर्ब जो है इस्तेमाल कहता है। उनका बाद में असा सब भी सब सेंटेंस वर्ब असो इस्तेमाल थल सेकेंड फॉर्म में थल सब सब पॉजिटिव सेंटेंस है उनमें को भी जो है नेगेटिव इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव या नेगेटिव सेंटेंस असो ना इन इन सब में जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल थल है। पर जैसे असो पैसिव वॉइस में तब्दील कहता आयो तो असकी वर्ब है वह हमेशा फेल की थर्ड फॉर्म जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज थी है। उनका बाद में असो है प्रीपोजिशन बाय जो इजाफो कहता आयो। हाँ आखिर में जो है असो जुमले एक्टिव जुमले में जो भी सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल थल तो अस लफ बाय जो प्रीपोजिशन है उनका बाद में असो सभी ऑब्जेक्ट केस जो रखा आयो। हाँ फालतू लेकिन आए वी यू ही शी दे अली जो इतने सब्जेक्ट है तो असो पैसे वैसे जुमले में इनके ऑब्जेक्ट बनाए जहर ये हाँ सब्जेक्टिव केस में आन तो जैसे असान इनके ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील कहते तो जहर उनके असके ऑब्जेक्टिव शिकल है या सूरत है अस उतने लिखासूँ इन असो है प्रोनाउंस है असके इन भी जो है इन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में खबर होजन खे। उनका बाद में नाउन है अली असबर है जैसे भी असो एक्टिव वॉइस जुमले के पैसे वॉइस के जुमले में तब्दील कहता आयो तो असो सब्जेक्ट जो नाउन है जैसे फर्ज अली है या स्टूडेंट हुए या बोलो नेम वगैरह हुए तो जैसे भी असो एक्टिव वॉइस के जुमले के पैसे वॉइस में तब्दील कहता आयो तो असो नाउन जो सब्जेक्ट होंगे हमेशा वो सेम ही रहा है। पर जैसे प्रोनाउंस है उनमें आए जो वो मी में तब्दील वी जो वो अस में तब्दील यू जो यू रहा है ही जो हिम में तब्दील शी जो वो हर में
में तब्दील थी वेंदो आहे। छाकाणि त जेको आहे जो मी हुई जो अस यू जो यू ही जो हिम शी जो हर दे जो देन जेको आहे इहो ऑब्जेक्टिव केस आहे। जॾहिं ज़ाहिर आहे इहो ऑब्जेक्टिव तौरु इस्तेमालु थींदा त असांखे हुनजो केस बि जेको आहे ऑब्जेक्टिव केस वठिणो पवंदो। अचो त असां जेको आहे पंहिंजे जुमिले खे जेको आहे एक्टिव जे जुमिले खे पैसिव जे जुमिले में तब्दील करणु सघूं। आम ॻाल्हि में थोरो ॾिसो त असां जॾहिं बि जेको आहे एक्टिव जे जुमिले खे पैसिव जे जुमिले में तब्दील कंदा आहियूं त ज़ाहिर सां ख़बर आहे त ज़मान माज़ी जे जेको आहे ज़मान माज़ी जो जेको आहे हिन में जुमिलनि में जेको आहे जेको सवाली जुमिलो हुजे त असांखे सवाल लिखाइण जे लाइ डेट इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं नाकारी हुजे त डेट नॉट इस्तेमालु कंदा आहियूं। पर जॾहिं असांजा जुमिला जेको आहे सवाली हुजनि या नाकारी हुजनि तॾहिं उन्हनि जुमिलनि खे असां जेको आहे एक्टिव जे जुमिले खे पैसिव में तब्दील कंदासीं जेको डेट आहे असांजो या त वाज में चेंज थी वेंदो या वरी वर में चेंज थी वेंदो। उन खां पोइ जॾहिं असांजो डेट नॉट जुमिले एक्टिव जे जुमिले में डेट नॉट इस्तेमालु थियल आहे त जॾहिं असां हुनखे पैसिव जे जुमिले में इस्तेमालु कंदासीं असांजो डेट नॉट जेको आहे या त वाज नॉट में तब्दील थी वेंदो या वरी वर नॉट में तब्दील थी वेंदो। अचो त असां पंहिंजे लेक्चर खे अॻिते वधायूं। हाणे आहे आई ड्रिंक वाटर, त हाणे हिन जुमिले में असांजो जेको वाटर आहे ॾिसंदासीं असांजो ऑब्जेक्ट आहे। जॾहिं असां हिनखे पैसिव जे जुमिले में लिखंदासीं त असां हिन वाटर खे जेको आहे छा बणंदासीं सब्जेक्ट बणंदासीं। त हाणे असां हिते पहिरें जुमिले खे तब्दील कयूं था त वाटर जेको आहे असांजो सब्जेक्ट थी वियो। हाणे ॾिसूं था त वाटर जेको आहे असांजो सिंगुलर तौरु इस्तेमालु थिए थो। असां जेको आहे हाणे वाटर खां बाद में जेको पास्ट ऐं टू बी वर्ब्स आहिनि वाज़ ऐं वर आहिनि। जेकॾहिं सिंगुलर आहे असांजो सब्जेक्ट असां वाज़ इस्तेमालु कंदासीं, जेकॾहिं असांजो सब्जेक्ट जेको आहे प्लूरल आहे त असां जेको आहे वर इस्तेमालु कंदासीं। हाणे ॾिसूं था वाटर जेको आहे असांजो सिंगुलर तौरु इस्तेमालु थींदो आहे, त हिते असां जेको आहे वाटर खां बाद में जेको आहे टू बी जो वर्ब जेको पास्ट टेंस जो आहे वाज़ उहो इस्तेमालु कंदासीं। ऐं उनखां बाद में जेको आहे असां ॾिसूं था हिते असांजो जेको वर्ब आहे उहो ड्रिंक आहे जेको सेकंड फॉर्म में इस्तेमालु थियो आहे। हाणे जॾहिं असां हिनखे पैसे वाइज में तब्दील कंदासीं ज़ाहिर आहे असांखे हिनजो जेको आहे थर्ड फॉर्म यूज़ करणी पवंदी ऐं हिन थर्ड फॉर्म आहे ड्रंक। वाटर वाज ड्रंक, त उनखां बाद में जेको आहे असां प्रीपोजिशन बाय इस्तेमालु कंदा आहियूं। हाणे असां जेको आहे प्रीपोजिशन बाय इस्तेमालु कयो ऐं उनखां बाद में असांखे जेको आहे हाणे इन असांजे एक्टिव जे जुमिले में जेको असांजो सब्जेक्ट हुयो आहे इहो सब्जेक्टिव केस में आहे ऐं जॾहिं हाणे ऑब्जेक्ट बणंदो ज़ाहिर असांखे ऑब्जेक्टिव केस लिखणो पवंदो। त आहे जेको आहे सब्जेक्ट आहे सब्जेक्टिव केस आहे, जॾहिं ऑब्जेक्टिव केस में वेंदो त इहो मी बणजी वेंदो त पोइ असां हिते लिखंदासीं मी। त हाणे असांजो पहिरियों जेको सेंटेंस आहे आई ड्रिंक वाटर, त असां हिन जॾहिं चेंज कयोसीं छा थियो वाटर वाज ड्रंक बाय मी। त हाणे असां हिन में ॾिठो त असांजो जेको हिन जुमिले में असांजो ऑब्जेक्ट हुयो उहो असांजो सब्जेक्ट बणियो ऐं उनखां बाद में असां जेको आहे टू बी जो जेको वर्ब आहे पास्ट टेंस जो वाज़ रखियो छाकाणि असांजो जेको आहे सब्जेक्ट आहे उहो सिंगुलर आहे ऐं उनखां बाद में असांजो जेको वर्ब हिते इस्तेमालु थियो आहे ड्रिंक सेकंड फॉर्म में। जॾहिं असांखे पैसे वाइस में वठी वेंदासीं हिते थर्ड फॉर्म यूज थींदी उहा असां ड्रंक लिखी आहे। उनखां बाद में असां जेको आहे लफ़्ज़ प्रीपोज़िशन जेको बाय आहे हिन जो इज़ाफ़ो कयो आहे ऐं उनखां बाद में आहे जेको असांजो सब्जेक्टिव केस में आहे ऐं जॾहिं असां हिनखे पैसे वाइस जे जुमिले में तब्दील कंदा आहियूं त असांजो जेको सब्जेक्ट आहे उहो ऑब्जेक्ट बणी वेंदो आहे। आहे जेको आहे सब्जेक्टिव केस में आहे, हिते असां हिते जेको आहे जो ऑब्जेक्टिव केस लिखियो आहे। अहिड़े तरीक़े सां असांजो जेको पहिरियों सेंटेंस आहे उहो एक्टिव जे जुमिले मां पैसिव जे जुमिले में तब्दील थी वियो। अचो त असां हाणे बकाया जेका असांजा जुमिला सेंटेंस आहे उनखे ॾिसूं। उनमें असांजो जेको लेटर्स आहे इहो असांजो ऑब्जेक्ट आहे। असां ॾिसूं था त लेटर जेको आहे असांजो प्लूरल आहे, त असां हिते जेको आहे लेटर जेको आहे असांजो ॿिए सेंटेंस जो जेको आहे हाणे सब्जेक्ट बणिजे थो। उनखां पोइ असां हिते लिखियो अथई लेटर्स, त हाणे ज़ाहिर आहे असांजो जेको सब्जेक्ट आहे उहो जमा में आहे, तंहिंजे लाइ असां वर बि जेको टू बी जो जमा वारी कंदासीं इस्तेमालु वर। ऐं उनखां बाद में रोड जेको आहे सेकंड फॉर्म में आहे, असां थर्ड फॉर्म रखंदासीं रिटेन लेटर्स वर रिटेन। उनखां बाद में बाय लफ़्ज़ प्रीपोजिशन जो इज़ाफ़ो ऐं उनखां पोइ हुई जो जेको आहे ऑब्जेक्टिव केस थींदो आसिफ। अहिड़े तरीक़े सां असां जेको ॿियो सेंटेंस आहे असां जेको आहे एक्टिव जे जुमिले खे पैसे वाइज जे जुमिले में तब्दील कयोसीं। अचो असां थर्ड ते थर्ड जेको आहे असांजे थर्ड जेको आहे सेंटेंस में ॾिसूं था त असांजो जेको ऑब्जेक्ट आहे उहो विंडो आहे। त हाणे असांजे विंडो खे जेको आहे हिते असां पैसे वाइज जे जुमिले में जेको आहे सब्जेक्ट बणंदासूं। हाणे जॾहिं सब्जेक्ट बणियो आया असांजो इहो सब्जेक्ट जेको आहे उहो सिंगुलर आहे या प्लूरल आहे, असां ॾिसूं था असांजो जेको सब्जेक्ट आहे उहो सिंगुलर आहे, त पोइ जे लाइ असां जेको आहे सिंगुलर वर्ब जे सब्जेक्ट जे लाइ असां वाज़ जो टू बी जो वर्ब आहे उहो इस्तेमालु कंदासीं। उनखां बाद में ओपेंड जेको आहे ओपन जो सेकंड फॉर्म आहे ऐं थर्ड फॉर्म बि हिन जो ओपन थींदो, हिन जे करे असां हिते जेको आहे लिखंदासीं ओपन। आम खां बाद में जेको आहे लफ़्ज़ असीं बाय प्रीपोजिशन जो इज़ाफ़ो कंदासीं ऐं उनखां बाद में यू जो जेको ऑब्जेक्टिव केस आहे उहो बि यू आहे, हिन जे लाइ असां हिते जेको आहे जुमिले जे आख़िर में असां ऑब्जेक्ट लिखियोसीं। अहिड़े तरीक़े सां असांजो जेको सेकेंड सेंटेंस आहे थर्ड सेंटेंस उहो बि एक्टिव जे जुमिले मां पैसिव जे जुमिले में तब्दील थी वियो।
उनका बाद में समझो फोर्थ सेंटेंस के सुना तो मैं फ्रूट जेको है समझो ऑब्जेक्ट है जेको हाने समझो पैसे में जुमले में जने समझो तब्दील करा नहीं हो समझो छा बणी वेदो सब्जेक्ट तो समझो फ्रूट लिखूंदा फ्रूट जेको है समझो प्लूरल है इंटीग्रेसी वर्ब भी जेको है प्लूरल इस्तेमाल करदा सो वर फ्रूट्स वर इते आए सेकंड फॉर्म जेकी ते पास्ट टेंस में यूज थी आए सेकंड फॉर्म ब्रॉट तो इन थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है समझो लिखंदा सी ब्रॉट फ्रूट्स वर विराट उनका बाद में बाय लव जो इजाफो आई उनका बाद में देखो आए ही जो देखो ऑब्जेक्टिव केस आ वो हिम मा वो सही तरीके से आसी हिम एड़े तरीके से आसा जो एकरा जो जुमलो देखो वो पैसे वाइज जुमले में तब्दील थियो उनका बाद में फिफ्थ सेंटेंस आ शी कुक्ड मील इन जुमले में मील देखो आसा जो ऑब्जेक्ट है देखो सा पैसे वाइज जुमले में आए सब्जेक्ट बनबो तो मील सिंगुलर वर्ब है एंड ला सही ते देखो मील वाज कुक जेको है सांजो था कुकड सेकंड फॉर्म है लेकिन जे नाम थर्ड फॉर्म में भी लिखला सी दिया सागी जेको है कुकड थिंदी चाकन त यो रेगुलर वर्ब है एंड जेको सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म जेको है सेम दिया है मील वाज कुक उनका शी जेको है सांजो सब्जेक्टिव केस है इते जे नाम के ऑब्जेक्टिव केस में लिखंदा सो तो शी जेको हुआ हर में तब्दील थी मेरी आ उनका बाद में सागी का फिफ्थ सेंटेंस ना दे प्लेड अ गेम इते सांजो सुंदा एक गेम जेको सांजो ऑब्जेक्ट है जेको सांजो हाने पैसे वाइज जुमले में सब्जेक्ट बनबो और एक गेम जो इतने लिखो सी एक गेम असा सुंदा थी सिंगुलर आ तेन का बाद में असा जो टू बी जो वर्ब आ वो भी सिंगुलर इस्तेमाल करना से जेको है वाज वाज का बाद में जेको है प्ले जेको है फर्स्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म भी प्लेड है थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है थर्ड फॉर्म यूज करना है हमेशा एक्टिव वाइज जुमले के पैसे वाइज जुमले में तब्दील क्यों था तो असा पैसे वाइज जुमले में जेको है हमेशा फेल जी थर्ड फॉर्म यूज करना है उनका बाद में सी देखो है बाय लव जो देखो है इजाफो कदा सी उनका बाद में दे देखो है सब्जेक्ट केस आ जेके ऑब्जेक्ट केस बनबो तो यो दे देखो है सा जो देम थी दो एड़े तरीके दा सा देखो है लास्ट सेंटेंस देखो सा जो है अली सिंग सॉन्ग्स तो हिते देखो सॉन्ग्स आ सा जो देखो वो ऑब्जेक्ट है देखो हाने पैसे वाइज जुमले में सा जो सब्जेक्ट बनबो सॉन्ग्स देखो है सा जो प्लूरल आए इन जेले साथ में वर्ब भी टू बी जेके और प्लूरल इस्तेमाल कंदा सो आए उनका बाद में देखो है सेंग सानी सेकंड आदि के सानी थर्ड फॉर्म देखो है संगु वा इस्तेमाल करना सो आए उनका बाद में लव बाय प्रीपोजिशन जो इजाफो आए आखिर में अली जी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट केस में आए एड़े तो सेम देखो है सा आ सर ऑब्जेक्ट के केस में भी अली देखो लिखंदा सो एड़े तरीके सा देखो है सा एक्टिव वाइज जुमले के देखो है पैसे वाइज जुमले में तब्दील कयो हाने जने सा एक्टिव वाइज जुमले के पैसे वाइज जुमले में तब्दील कयो तो सारी सो दे असा जे पूरे देखो है जेका सब सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस में जेका भी असा जा ऑब्जेक्ट होया असा उनी ऑब्जेक्ट के पैसे वाइज में जुमले में असा एक वाइज जुमले के पैसे वाइज जुमले में तब्दील कयो सो जेका असा जा सब जेको ऑब्जेक्ट होया असा उनी सब ऑब्जेक्ट के जेको है सब्जेक्ट बनायो आ उनका बाद में जेका असा जा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनया जेके वो सिंगुलर होया तो असा वाज इस्तेमाल कयो जेने प्लूरल होया तो असा उनसा वर इस्तेमाल कयो आणि सो असा जेका सिंगुलर है उनसा वाज है जेका असा प्लूरल है उनसा वर इस्तेमाल कई आए आई उनका बाद में असना जेका है वर्ब है ये सब जेका असना सेकंड फॉर्म में यूज चले सेकंड फॉर्म वर्ब जी तो जने असा एक्टिव जुमले के पैसिव वाले जुमले में तब्दील करना तो असा हमेशा जेको है फेल जी जेको वर्ब जी थर्ड फॉर्म यूज कंदा आयो असा जे जेकी है फेल जी थर्ड फॉर्म यूज कई है आई उनका बाद में जेको है असा थर्ड फॉर्म का बाद में जेको है वर्ब जी थर्ड फॉर्म का बाद में असा जेको है लव बाय जो असा प्रीपोजिशन है असा उन जो इजाफो कयो जने सा बाय पर लाग पर पोजीशन देखो लिखियो आ तो उनका बाद में असा जे एक्टिव जे जुमले में जेका भी असा जा सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल कयल है असा उन सबनी जे देखो है सब्जेक्ट के देखो है पैसे वाले जुमले में देखो है असा ऑब्जेक्ट जेको आ बनायो आ एड़े तरीके सा असा जो एक्टिव जे जुमला वो असा पैसे वाले जुमले में तब्दील थियो तो हाने एक्टिव जे जुमले में जेका असा सब्जेक्ट आ वो असा ऑब्जेक्ट बनिया आ जेका एक्टिव जे जुमले में असा ऑब्जेक्ट होया वो असा पैसे वाले जुमले में सब्जेक्ट बनिया तो हाने सा जो जेला एक्टिवेट जुमले के पैसे वाइज जुमले में जो तब्दील कयो था तो उन में असा जेको आए नंबर पेरे ते जेको असा जो ऑब्जेक्ट होंदो आ उनके साथ सब्जेक्ट बनेना उनका बाद में जेको जॉइंट टेंस सेंटेंस जुमलो सा जेको टेंस जो जुमलो जेको आए असा एक्टिवेट का पैसे वाइज में चेंज करयो तो असा उन जेको आए टेंस जो जेको टू बी जो वर्ब होंदो आए असा वो जेको आए सब्जेक्ट का बाद में वो इस्तेमाल करना है वो असा जो वाज है वर असा जेको जेको सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज इस्तेमाल कयो जने असा जेको सब्जेक्ट प्लूरल हो तो असा उन जेको है वर इस्तेमाल कयो से आन का बाद में असा जेको है समझो वर्ब होंदो है हमेशा जेके ने फर्ज कयो एक वर्ड जुमले में फर्स्ट फॉर्म में आ या सेकंड फॉर्म में आ या थर्ड फॉर्म यूज चला हुन जी पास्ट टेंस में हमेशा जेको सेकंड फॉर्म इस्तेमाल थिंदी है जेने पॉजिटिव सेंटेंस या जेके नेगेटिव होंदो इंटरोगेटिव होंदो इंटरोगेटिव या नेगेटिव होंदो तो जाहिर है उन में जेको है फेल जी फर्स्ट फॉर्म यूज थियल हुंदी
ब्लेसड फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लो जे या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लो जे पर जने असा उन्हें एक्टिव वाले जुमले के पैसे वाले जुमले में तब्दील कर आयो तो असा हमेशा जो है वर्ब जी जो है थर्ड फॉर्म यूज करना जो असा इतने यूज किया है। कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं लेकिन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो सेम ही होंगी है जी इतने असा ओपेंड हुए या विराट हुए या कुकड हुए या प्लेड हुए असा जो भी वर्ब है असने रेगुलर वर्ब है इनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम ही होंगी है। उनका बाद में ड्रिंक रोड सेम जो है रेगुलर वर्ब्स हुआ चाहिए सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म जी चेंज होंगी सेम ना होंगी इनके जुमले के पैसे वाले जुमले में तब्दील कर आयो तो वोट ब्लैसे जी भी फॉर्म यूज कर वर्ब की पर जैसे पैसे वाइज में लिखा तो थर्ड फॉर्म यूज कर थर्ड फॉर्म यूज करने बाद में लफ्ज बै जो इजाफो किया सभी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का बाद में वर्ब जी थर्ड फॉर्म का बाद में सब बाय जो इजाफो किया उनका बाद में जो असा एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट हुआ उनके पैसे वाले जुमले में ऑब्जेक्टिव केस में उनके लिखी खड़ी असा एक्टिव जुमले के पैसे वाले जुमले में तब्दील कर हाँ जो असं पास टेंस जो है इंट्रागेटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस के असं एक्टिव वॉइस में पैसिवाइज कर सीखासूँ सब का पे जुमड़ो आई स्पोक इंग्लिश असो पॉजिटिव सेंटेंस है जो अस पे प्रैक्टिस कर चुका हाँ में इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ये असो पैसिवाइज जुमले में सब्जेक्ट बनबो इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है इनका बाद में असं वाज जो इजाफो कंदी उनका बाद में स्पोक थर्ड फॉर्म जो स्पोकन की लिखासी उनका बाद में अस लफ्ज बाय जो प्रीपोजिशन है वो आखिर में आए जो अस ऑब्जेक्टिव केस जो मी है वो लिखा तो हाँ असो है एक्टिव वाइज जुमले के पैसे वाइज जुमले में तब्दील कर हाँ जो है सेकेंड जो सेंटेंस है वो असो नेगेटिव है उनका थर्ड है असो इंट्रागेटिव है फोर्थ जो है वो असो इंट्रागेटिव नेगेटिव फिफ्थ जो है असो वरी जो है वो इंट्रागेटिव है तो हाँ जो है जैसे असं नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव नेगेटिव सेंटेंस के पैसे वाइज नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करा तो हाँ ऐसो तो इतना डिड नॉट इस्तेमाल किया इनके नेगेटिव तौर जो है शो करने लाइ नेगेटिव में तब्दील करने लाइ डिड जो है असा इस्तेमाल किया तो हाँ जो डिड ना डिड नॉट इस्तेमाल किया या तो यो डिड नॉट जो है असो वाज नॉट में तब्दील पैसे में या वरी जो है वार नॉट में तब्दील वो जो है असो सब्जेक्ट डिपेंड करे तो आया जो असो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो डिड जो है असो वाज डिड नॉट जो है असो वाज नॉट में तब्दील पर जो असो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन वो जो प्लूरल है तो असो डिड नॉट है वो असो वर नॉट में तब्दील हाँ असोता तो इन जुमले में असो ऑब्जेक्ट है वो टीवी आ टीवी ऐसा तो असो है सब्जेक्ट बनजे तो टीवी जो है असो सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके सिंगुलर सब्जेक्ट का बाद में असो है डिड नॉट की जगह है वाज नॉट इस्तेमाल टीवी वाज नॉट उनका बाद में वॉच जी इतने सेकंड फर्स्ट फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म लिखा वॉचड उनका बाद में जो है लफ्ज बाय जो इजाफो किया उनका बाद में जो असो वी जो है असो इतने सब्जेक्ट है जैसे अस ऑब्जेक्ट लिखा तो यो अस तो हाँ असो एक जो नेगेटिव सेंटेंस हुए वो हाँ पैसे वाइज नेगेटिव सेंटेंस में चेंज थी वो उनका बाद में लिखा सेकंड जो है असो सेंटेंस है उन्हीं में डिड ही कॉल मी तो इतना यो असो सेंटेंस है वो इंट्रागेटिव है तो हाँ जैसे भी जो है अस इंट्रागेटिव सेंटेंस के जो है एक्टिव के पैसे वाइज में तब्दील करता है तो असो जो डिड है वो में तब्दील है जो सब्जेक्ट सिंगुलर हों वाज में जो सब्जेक्ट हों असो प्लूरल वार में हाँ ऐसा डेडी का बाद में असो जो इतने मी है मी जो असो हाँ इतने ऑब्जेक्ट है इनके सब्जेक्ट बने वो आए शाबाद आए थी वो तो हाँ असो है डेड की जगह से आए सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर तो हाँ डेड जो है असो में तब्दील वाज में अस इतना हाँ वाज लिखा तो होडे भी जो है एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट का पे डेड इस्तेमाल किया हाँ असो सब्जेक्ट
जो तो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन दो सब्जेक्ट छाए सांजो आए या तो हाने आए सां खबर है जो सिंगुलर जेको आए सिंगुलर है तो साइन जेले जेको आ वास जेको आए इनका आगे में इस्तेमाल करो तो हिंदी जेको आ सांजो डेड इतने सुनाने से जेको डेड आए वो सां छा में तब्दील थियो वास में जेने फास की हुई थी उसे अस तो अस जेको आ सां छा में तब्दील थी आई हुई में तो वो असा इते जेको आए वास इस्तेमाल ना करो पर छा इस्तेमाल करो वार इस्तेमाल में पर हिते असाने जेको आए मी आए तो मी असाने जेको आ वो छा में तब्दील थियो आए में तो इनके करे सा आए खा पेरे जेको आए एक्टिवेट जुमले के पैसिवेट जुमले में इंट्रागेटिव सेंटेंस आया तो इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए असा जेको आए डिड के चेंज कियो से वाज में उन का पो जेको सा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुए उनके सब्जेक्ट तो लिखियो से उन का बाद में हाने जेको असा फेल जी थर्ड जेको फॉर्म यूज करना जेके ते फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल चला है जी आए कॉल तो हाने थी दो कॉल्ड वाज आए कॉल्ड उनका बाद में जेको है लव्ज बाय जो इजाफो है उनका बाद में जेको इते असा जो ही आए यो असा जो हिम में तब्दील थी दो ऑब्जेक्टिव केस में उनका बाद में असा जेको है क्वेश्चन मार्क दिंदा से उनका बाद में थर्ड जेको सेंटेंस आए उन्हीं में भी जेको है सब्जेक्ट इंट्रागेटिव और नेगेटिव असा जो सेंटेंस है तो जाहिर है इते भी असा के जेको है दिसो इते आया असा जेको सब्जेक्ट केर बनबो अस बनबो ता जने अस जेको है असा जो ऑब्जेक्टिव केस में जदे यो सब्जेक्टिव केस में इंदो तो जाहिर वो वी बन जी वंदो जदे वी बन बो तो असा जेको आए वी का अग में जेते असा आए का अग में वाज लिखियो छका तो जो सब्जेक्ट हुयो सिंगुलर हुयो हां जेको असा जो ऑब्जेक्ट बन जे तो पियो वो जेको है प्लुरल आए तो वो जाहिर असा जो डेड आ वो छा में तब्दील थी वंदो वार में तो असा इते जेको आए सब्जेक्ट का अग में जेको आए डेट के जो है वार में चेंज कर रखा बाद में जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनो यो बनी वो हुई उनका बाद में नॉट इतने एडवर्ब ऑफ नेगेशन इस्तेमाल थे सब्जेक्ट का बाद में इतने भी साहब एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट रखा उनका बाद में लाइक है यो फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करी लाइक्ड उनका बाद में बाय जो इजाफो उनका बाद में जो शी जो सब्जेक्ट है इतने ऑब्जेक्ट बनी वो हर उनका आखिर में असो है क्वेश्चन मार्क दिंदूँ तो हाँ चवण जो मकसद यो है सॉरी इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आए तो जाहिर जैसे डेड इस्तेमाल थल है तो इतने भी असा यो ख्याल करना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनका आगे में डेड के आवाज में तब्दील कदी जैसे असो सब्जेक्ट प्लुरल है तो अस उन डेट के जो है वार में चेंज कदी उनका बाद में असा टों जो फिफ्थ सेंटेंस असो है वो भी असो है इंट्रागेटिव है सब्जेक्ट कड़ा सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट जो एग्जिग्नेशन जो असे पेसिवेट जुमले में सब्जेक्ट बनबो इनके यो भी असो सिंगुलर है तो इतने भी असो डेड है वो छा में तब्दील थी वो वाज में वाज examination was examination third form past the past unka baad mein word by jo is a for preposition jo unka baad mein ali jo ko aisa subjective objective case ali rakhanda se hai to asan jo ko hai active wise jo jumlo jo ko wo passive wise jumle mein tabdeel thiyo असा जो है अज के लेक्चर में जो है एक्टिव वाइज के पास्ट टेंस जे जो इंट्रागेटिव नेगेटिव ए इंट्रागेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस हुआ अस उनके जो है पैसिव वाइज में तब्दील कर सीखियासूँ जैसे असा जो है एक्टिव वाइज जुमले के पैसिव वाइज के जुमले में तब्दील किया असा जो है डिड डिड नॉट के जो है वाज नॉट में या वर नॉट में चेंज किया जिते जो है इंट्रागेटिव हो तो असा उत डिड हो जैसे उनको सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो तो असा डेड के जो है वाज में चेंज कर जैसे उनको आप सब्जेक्ट जो है वो प्लुरल हो तो असा डेड के जो है वार में जो असा इतने आए असो सिंगुलर हो तो वाज इस्तेमाल कर जैसे हुई जो असो प्लुरल सब्जेक्ट हो तो असा इतने वार इस्तेमाल कर अड़े तरीके से ये असो इंट्रागेटिव सेंटेंस हो पर जो असो सेंटेंस जो नेगेटिव होता तो असा जो जैसे टीवी असो सिंगुलर है तो असा इतने वाज नॉट इस्तेमाल कर जैसे असो प्लुरल हो वर नॉट इस्तेमाल क्यों अड़े तरीके से अको लेक्चर में असि एक्टिव वाइज जुमले के पैसिव वाइज जुमले में तब्दील किया उनका बाद में जो है पॉजिटिव
इंट्रागेटिव नेगेटिव और इंट्रागेटिव में नेगेटिव सेंटेंस जे भी जुमलन के जेको है एक्टिव एस्मा पैसिव एस करण जेको है सिखा जो उम्मीद है ताके सा आज जो लेक्चर पसंद आयो होंदो जे लेक्चर पसंद आयो है ता सा जे चैनल जो AWQ एकेडमी के जेको है सब्सक्राइब कियो असन जे वीडियो को लाइक कियो और अपने दोस्त में शेयर कियो बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम।